हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत खैर मकदम है। और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अशरफ। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम YouTube के लिए जो है वो थंबनेल जो है वो अट्रैक्टिव बनाते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जब तक ना आपका थंबनेल जो है वो अट्रैक्टिव होगा, तब तक जो है वो आपकी ऑडियंस जो है उसके ऊपर क्लिक नहीं करती है। यानी कि आपका जो थंबनेल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी वीडियो को वायरल करने के लिए। आपका थंबनेल इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो जो है मजबूर होनी चाहिए उसके ऊपर क्लिक करने के लिए। जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाएंगे उसका जो थंबनेल है जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, और ताकि आपकी वीडियो के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो क्लिक करें, व्यूज़ आएँ। और व्यूज़ के बाद में जो अंदर का जो टॉपिक है वो उसी के रिलेटेड होना चाहिए जिसके ऊपर आपने थंबनेल जो है वो बनाया है। फिर जाके आपके सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ सकते हैं और आगे वो जो है आपको सुझाव भी दे सकते हैं, वो शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। कुछ भी टर्निंग पॉइंट जो है वो होता है। पहले जो है वो अट्रैक्शन जो है अपनी ऑडियंस के लिए वो यही है कि आपका जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। सपोज कि आज का टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से थंबनेल जो है वो क्रिएट करेंगे, कि हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल, या किस तरीके से हम थंबनेल को जो है यूट्यूब का बना सकते हैं। और मैं आज आपको एक सॉफ्टवेयर है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है पिक्सल लैब, उसके ज़रिए से आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम इस ऐप के ऊपर जो है वो थंबनेल जो है वो बनाते हैं। और आप भी कोशिश करेंगे कि अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव थंबनेल जो है जब आप वीडियो बनाते हैं उस के साथ थंबनेल जो है वो लगा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस आगे बढ़ने से पहले आप सभी से ये गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अगर आप फेसबुक के ज़रिए से देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन की ओर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम YouTube के लिए हम थंबनेल बनाएंगे। आप जो है वो बहुत तरीके की ऐप्स के साथ अपने वीडियोस जो कि YouTube पर आप अपलोड करेंगे उसके लिए आप थंबनेल जो है वो आप बना सकते हैं। मेरे पास जो ऐप है वो है पिक्सल ऐप और पिक्सल लैब की ऐप, इसके ज़रिए से मैं थंबनेल बनाता हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं जो है वो किस तरीके से थंबनेल जो है यहाँ से मैं बनाता हूँ। एक मेरे पास पिक्सल लैब है, दूसरा दूसरा है कैनवा। तो मैं आपको पिक्सल लैब से जो है वो थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। पहले हम ओपन करेंगे पिक्सल लैब। पिक्सल लैब में यहाँ पर जैसे कि ऑलरेडी मैंने ये बनाया हुआ है थंबनेल, इसको मैं पहले एग्ज़िट करूँगा। एग्ज़िट करने के बाद हम यहाँ से जो है यहाँ पर जो पहली जो इसकी स्क्रीन आती है वो इस तरीके की स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हमने यहाँ पर पहले क्लिक, हम इस यहाँ पर जो प्लस वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे पहले हम कोई शेप जो है वो इसमें यहाँ से चूज़ करेंगे। सपोज़ इस तरीके की शेप हम चूज़ करेंगे, तो ये शेप हमने यहाँ पर ली। इस शेप के अंदर जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर एक पेन का ऑप्शन है, इस पेन के ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और
जो प्लस का ऑप्शन है इसके ऊपर हम टेक्स्ट यहाँ पर लेंगे। टेक्स्ट में जो भी हमने यहाँ पर लिखना होगा वो हम यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं। सपोज हाउ टू क्रिएट थंबनेल, ओके पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा चौड़ा करेंगे और इसमें हम यहाँ जो ए यहाँ पर आपको दिखेगा इसमें यहाँ पर हम इसका जो है वो कलर यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर आप देख सकते हैं इसका कलर यहाँ पर मैंने चूज़ किया। तो सपोज़ कि ये छोटा बक्सा हमने यहाँ पर लिया, उस बक्स में हमने इस टेक्स्ट को एडजस्ट करना है, तो टेक्स्ट का साइज़ जो है वो हम थोड़ा कम करेंगे टेक्स्ट में जाके, ताकि ये एक ही लाइन में जो है वो इसको हम यहाँ पर लिख सकें। ये जो पहला जो हमने जो ब्लैंक स्क्रीन ली है वो हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है उसको लेना है कि कितनी हमें जो है ये चाहिए। एक ये उसके बाद में हम यहाँ से इसमें फ़ोटोज़ वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ प्लस पे जाके फ्राम गैलरी, गैलरी से हम यहाँ पर कोई भी जो है वो गैलरी से फ़ोटोग्राफ्स जो है इसमें हम डाल सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ गैलरी से फ़ोटोग्राफ किया, उसको हमने यहाँ पर सीधा किया, जितना हमने फ़ोटोग्राफ इस पर जितनी ज़रूरत होगी जितनी स्पेस होगी उसके लिए हम यहाँ पर इसको डाल सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसमें डाल सकते हो, और भी तरीके की शेप्स इसमें यहाँ पर हमें मिलेंगी, तो इस शेप्स को यहाँ पर हम ड्रा यहाँ पर कर सकते हैं। सपोज ये यहाँ पर है एक शेप, तो इसमें हम गोल सर्कुलर शेप में भी हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर हम इसमें लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम सर्कल में हमने कुछ लिखना होगा, सब्सक्राइब यहाँ पर हमने इसको लिख दिया, सब्सक्राइब तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम यहाँ पर हम सब्सक्राइब इस पर इस गोल के अंदर हम इस यहाँ पर लिखेंगे जो भी लिखना होगा ये हम लिख रहे हैं इसमें सब्सक्राइब। यहाँ ओके करेंगे और इसका कलर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो भी कलर हमने देना होगा। तो ये हो गया हमारा। इस तरीके से हम जो है बना सकते हैं। आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताना था कि यहाँ पर थ्री डॉट्स में अपने साइज़ लेना है कि अपने थंबनेल जो है वो बनाना है यूट्यूब के लिए, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे इमेज साइज़ पे, यहाँ साइड पे क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल और इस पर ओके करेंगे तो इस तरीके का आएगा ये हमारे पास। तो ये साइज़ आया हमारे पास YouTube के थंबनेल का। फिर जब हमने इसको सेव करना होगा तो हम इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करके यहाँ पर हमने देखना कि JPG में किस में हमने करना है, कस्टम करके जो क्वालिटी है इसकी जो है वो हाई का अल्ट्रा, तो मैंने इस वक्त अल्ट्रा में किया है ताकि क्लैरिटी जो है वो साफ आ जाए। तो उसको हम सेव करेंगे गैलरी में, गैलरी में ये सेव हो चुका है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले का मैंने ये बनाया हुआ है और अभी का ये वाला बनाया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से जिस चीज़ की जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी आप उस हिसाब से आप यहाँ पर
थंबनेल बना सकते हैं। आज मैंने आपको पिक्सल लैब से थंबनेल जो है वो बनाना सीखा। उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप फेसबुक के ज़रिए से देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।